नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कोविड से हम सभी जूझ रहे हैं, पूरा भारत जूझ रहा है। आप हम सभी के जानने वाले कोई ना कोई घर में या अस्पताल में इस बीमारी से लड़ रहा है। इस बीच बहुत सी बुरी खबरें ऑक्सीजन की शॉर्टेज की, वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन ना होने की और न जाने क्या क्या बुरी खबरें, उसके साथ साथ दवाइयों की शॉर्टेज की हम सभी ने सुन रहे हैं। उन सबसे हम सभी जूझ भी रहे हैं। मगर सिर्फ एक आज कुछ घंटे पहले एक बहुत अच्छी खबर आई है कि कोवैक्सीन, जिसे आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और भारत बायोटेक ने बनाया है, आईसीएमआर ने इसे डिजाइन किया है और भारत बायोटेक उसकी प्रोडक्शन करती है। कोवैक्सीन को आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में पाया कि ये सार्स कोविड 2, यानी कोविड 19 के, जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसके कई जो वेरियंट्स हैं उसके खिलाफ ये प्रभावी है। देखिए, लगातार ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, जैसे म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन की बातें सामने आती हैं, तो क्या ये प्रभावी साबित होगी, नहीं होगी? तो इस वैक्सीन को अगर हमने आज लगाया, कल को ये वायरस म्यूटेट होके कुछ ही और थोड़ा रूप अपना शक्ल बदल लेता है, तो और वैक्सीन काम नहीं करती है, तो इतनी सारी बड़ी प्रक्रिया का फायदा क्या है? तो ये आईसीएमआर की स्टडी बहुत राहत की सांस लेके आई है। एक सरकारी एक को गवर्नमेंट बॉडी है जिसने ये स्टडी की है, तो ये अपने आप में बहुत ही संतोषजनक बात है। चलिए आगे चलते हैं, स्टडी में क्या लिखा है इस बारे में बात करते हैं। ट्वीट किया था, ट्वीट में ये उन्होंने एक इंफॉर्मेशन इंफोग्राफिक्स बना के दिया था। इंफोग्राफिक्स में उन्होंने कुछ चीजें मेंशन की हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उनके पहली इंफॉर्मेशन जो दी कि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उन्होंने इसके मल्टीपल वेरिएंट्स जो थे, जो कोविड के, जो एक था B.1.1.7, जिसे हम यूके वेरिएंट के नाम से जानते हैं, एक B.1.1.28, जिसे हम ब्राजील वेरिएंट के नाम से जानते हैं, और B.1.351, जिसे हम साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के नाम से जानते हैं। इन सब के वेरिएंट्स को उनको कल्चर कर लिया है, उनके बारे में उन्होंने अच्छी मालूमात हासिल कर ली है कि किस तरीके से काम करता है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, इसमें समय लगता है, तो उन्होंने उसको सक्सेसफुली कर लिया है। आइए उसके बाद इनका ट्वीट्स में आगे क्या बताते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि आईएसएमआर और एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ने ये पाया कि जो कोवैक्सीन है वो यूके वेरिएंट के खिलाफ और ब्राजील वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी तरीके से काम कर रही है। मतलब इस पे अब घबराने की जरूरत नहीं है कि ये उस वेरिएंट पे काम करेगा या नहीं करेगा। आईसीएमआर ने इस बारे में हम सभी को, पूरे भारतवासियों को, ये एक तरह से दिलासा दिया है। और उसके बाद आईसीएमआर और एनआईवी ने ये भी किया अभी हाल ही में, क्योंकि हम एक डबल म्यूटेंट की बहुत बात हो रही थी कि डबल म्यूटेशन हो गया है, डबल म्यूटेंट, और इंडिया में ज्यादातर ये पाया जा रहा है, हालांकि बहुत सी दूसरी कंट्री में भी है। उस डबल म्यूटेंट का नाम है B.1.617। इसको भी हमने आइसोलेट करने में और कल्चर करने में आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसको करने के बाद, जब आप आइसोलेट एंड कल्चर करते हो, उसके बाद ही आप इसके ऊपर कोई काम कर सकते हो। तो ये काम हमारे देश एनआईवी कर चुका है। अब इसके बाद क्या है, और उसके बाद उन्होंने पाया है कि कोवैक्सीन हैज बीन फाउंड टू बी इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज द डबल म्यूटेंट स्ट्रेन एज वेल। तो हम सबके लिए राहत की बात है। अभी 2 दिन पहले तक जो न्यूज चैनलों पे खबरें चल रही थी कि ये डबल म्यूटेंट है, ये कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, फायदा होगा, नुकसान होगा, अब हम उससे कैसे लड़ेंगे, वैक्सीनेशन का भी कोई फायदा होगा या नहीं होगा, इन सब से एक बहुत राहत की सांस है पूरे देश के लिए, हम सभी के लिए, कि ये काम कर रही है। और एक, आप जितने भी बड़े डॉक्टर्स को अगर आप टीवी पे गौर से सुन रहे होंगे, तो मैक्स के बड़े डॉक्टर ने बताया है, और अपने आप अपने साथियों से भी इस बात की चर्चा कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए। ये हमारे एक तरह से साइंटिफिक लेवल पे जो स्टडी हो रही हो तो हो ही रही है, उसके अलावा ये हम सब देशवासियों के लिए भी बहुत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उन्हें कोरोना हो सकता है, कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोविड इन्फेक्शन उन्हें होना से ये रोकने वाली नहीं है, मगर वो कोविड इन्फेक्शन बदल के एक तरह से भयंकर कोरोना में ना बदल जाए, जिसमें आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाए शरीर में, जिसमें आप मृत्यु तुल्य तक आप उस वहां से जूझ के आए, उस सब से बचाने में ही एक वैक्सीन का रोल होता है। कोई वैक्सीन 100% गारंटी नहीं देती है। तो ये उस मामले में ये वैक्सीन
ने अच्छा काम किया है। अभी मैक्स के, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कल टीवी पैनलिस्ट बन के आए थे। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने माफ कीजिए, कल ही कहा है कि अभी तक उनके सामने जिन्होंने वैक्सीन का एक डोज भी लिया है, उनमें से एक भी पेशेंट उन्होंने आईसीयू में नहीं देखा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वैक्सीन आपको बचा रही है। मेरे एक बहुत पास के रिलेटिव हैं, उनको एक वैक्सीन की डोज लग चुकी थी, उनको हार्ट में उनके स्टेंट डलना था, और अमूमन इस तरह के केसेस में बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर बहुत अच्छी तरीके से वापस आए। उनको काफी कम दिनों के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो ये वैक्सीन काम कर रही है। ऐसे आपके कुछ क्या तजुर्बे रहे इस बारे में, आप भी अपने आसपास बात कीजिए, इसी फोरम पे कमेंट करके लिखना चाहें, बताना चाहें, हम इस चर्चा को किसी और तरीके से आगे ले जाना का प्रयास भी करेंगे। तो खैर, उस चर्चा को किसी और दिन के लिए। तब तक सबसे अच्छी एक खुशी की बात, बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर कि हमारी भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, भारत में बनी हुई, भारत में की द्वारा डिजाइन की गई, भारत में बनी हुई वैक्सीन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी उतने ही प्रभावी तरीके से काम कर रही है जैसा कि इसको शुरुआती ट्रायल में पाया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स और सुझावों का हमेशा स्वागत है। अगले वीडियो तक धन्यवाद, नमस्कार।